1 hour later. जी तो मैं आ गई थी अपनी खाला की तरफ। दरअसल मेरी खाला शिफ्ट कर रही हैं, तो मैंने सोचा थोड़ी सी उनकी हेल्प भी हो जाएगी और थोड़ी सी हमारी आउटिंग भी हो जाएगी। तो अभी मैं अपनी खाला की तरफ पहुंच गई हूँ। अब हम आगे क्या करते हैं वो मैं आपको साथ से दिखाऊंगी। तो यहाँ मेरी खाला और मम्मा मिलके मेरा ड्रेस जो है उसकी कटिंग कर रही थी, तो मैं पास बैठी थी, तो मैंने सोचा मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि देखिए कितनी मेहनत से ये दोनों मिलके मेरा ड्रेस कटिंग कर रही हैं। तो उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि शिफ्टिंग की तैयारी हो रही है, तो ये देखिए सारी पैकिंग करके जो कपड़े थे उनकी सेटिंग कर दी। और उसके बाद हम गए किचन में कुछ खाने के लिए। तो ये मेरी कज़न ने मेरे लिए बनाया था टोर्टिला रैप, तो उसको इंजॉय किया, ये खाया, बहुत मज़े का बना था। तो मैंने सोचा मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ कि ये किस तरह से बना रही है, आप भी देखिए। और एक तरफ बन रही थी कड़ी, ये देखिए थोड़ी सी लुक हमारी कड़ी की भी। ट्रांसफ़र अभी उस पर थोड़ा सा काम किया जा रहा है, वर्किंग हो रही है, उसके बाद इसको दोबारा से गर्म किया जा रहा है। लुक जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव ना, उठें आप भी जाएं बनाए और खाएं। तो ये लो फाइनल लुक एंड दिस इज द फाइनल। The next morning. Good morning. Assalamualaikum. Welcome back to my vlog. It's me, Nida. कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम है आपका मेरे ब्लॉग में। दरअसल कल हम खाला की तरफ गए थे, तो उसके बाद आके मैंने एंडिंग नहीं ली, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, दोनों दिन का ब्लॉग जो छोटे छोटे क्लिप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी। तो आज नेक्स्ट मॉर्निंग है, सुबह हो गई है हमारी, और अभी हम चलते हैं थोड़ा सा किचन की तरफ। और उसके अलावा घर में मशीन लगी हुई है, कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हुए थे, धोए नहीं थे, तो अब मशीन वगैरह लगी हुई है, कपड़े भी धुल रहे हैं, और साथ साथ हम किचन का काम भी देख लेते हैं। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।
few moments later. उसके बाद जब ने जोहर की नमाज अदा करने के बाद अपने लिए चिकन रैप रेडी किया था, वो खाया, उसके साथ हमने पी थी चाय. 2000 years later. चाय पी और उसके बाद के बाद जो मैंने आपको बताया था हर घर पे कपड़े वॉश हो रहे थे, तो ये देखिए मैं पहले क्लिप लेना भूल गई थी कि कपड़े वॉश किए थे. और अभी मैंने बाज़ार जाना था अपनी ड्रेस के लिए लेस लेने के लिए, तो मैंने सोचा वो भी मैं आपको दिखा दूँगी. ये देखिए ये रही लेस जो कटिंग हो रहा था ड्रेस उसके साथ मैच करके लेके आए थे. ये देखिए एक ये वाली थी और दूसरी भी मैं आपको दिखा देती हूँ, दूसरी थी ये वाली. उसके बाद आज यहाँ रेडी हो रही थी गर्मा गर्म रोटियाँ, और खाने में आज बन रहा था शिमला मिर्च चिकन और आलू, बहुत मज़े का बना था. Few moments later. बना और उसको एंजॉय किया, खाना खाया रात का. उसके बाद जी मैं रात को वॉक करती हूँ तकरीबन एक घंटा, तो या तो वॉक से पहले या वॉक के बाद मैं ये एक कप कहवा पीती हूँ. तो मैंने सोचा ये भी रेडी करने के लिए रख देते हैं, तो इसके लिए मैंने लिया था एक कप पानी, उसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन शामिल की थी और तकरीबन आधे चम्मच के करीब ये कहवा डाला था. इसको डालने के बाद हमने इसको रख दिया था चूल्हे पे, एक से दो बॉयल आने के बाद इसको छान लेंगे हम, और इसके अंदर शामिल करेंगे एक आधा लेमन. तो इसी के साथ मैंने सोचा सुबह हम खाएंगे चना चाट बना के फिर से, तो उसके लिए मैंने एक कप काले चने लिए थे भिगाने के लिए, और इसको इस डिब्बे में डाल के इसके अंदर पानी डाल दिया और इसको कवर करके रख दिया. अब सुबह इसको बॉईल करेंगे और इसकी चना चाट बना के खाएंगे. तो ये मैंने कवर करके रख दिया था. अब जैसे कवर रेडी होता है उसके अंदर एक लेमन मिक्स करके वो भी आपको दिखाते हैं. जी तो कवर रेडी हो गया था, इसके अंदर मैंने एक आधा लेमन ऐड किया था और अब मैं इसको जी गाइस तो ये वॉक मैंने कर ली थी, छोटा सा ब्लॉग. दरअसल मैं छोटे छोटे क्लिप्स ही रिकॉर्ड कर पाई, तो मैंने सोचा मैं आपके साथ इसको शेयर कर देती हूँ. एंड प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. कल मिलते हैं आपसे न्यू ब्लॉग के साथ. थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, अल्लाह हाफिज़.